हेलो बच्चों, क्लास 8th फिजिक्स। आज का चैप्टर प्रेशर के बारे में रहेगा। फोर्स का कंप्लीट चैप्टर हम कर चुके। प्रेशर के बारे में फर्स्ट यूनिट हमने कर ली। प्रेशर के बारे में जाना कि क्या होता है, फोर्स से सर कैसे रिलेटेड है, एरिया से कैसे, उसकी कुछ अप्लीकेशन भी जानी, किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, फॉर्मूला क्या होगा, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके। यूनिट्स क्या होगी, तो आइए शाबाश, आज हम बात करेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एंटायर एटमोस्फियर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसको हम एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यहां से एक बात और क्लियर हुई कि जो एयर होती है उसका भी वेट होता है, ठीक है। यहां से ये फैक्ट निकल कर आया कि जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर भी क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। उसी वेट की वजह से उसने क्या किया, अर्थ के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट जो हुआ वो उसी के वेट की वजह से हुआ, और उसको बोलते हैं 1 ATM, 1 ATM एटमोस्फेरिक प्रेशर। वैल्यू कितनी होती है, 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। इसको 100 किलो पास्कल भी बोल देते हैं, 100 किलो पास्कल, ठीक है। किलो मींस क्या हो गया बेटा, 10³ और 10²। ये तो नियरली इसी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट आपको क्या करनी है, याद करनी है इसकी, कि सर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो अब जानिए शाबाश, मेजरमेंट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। मेजरमेंट तो देखिए शाबाश, जो डिवाइस है जो यूज में लाया जाता है फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर। द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर ध्यान रखना बेटा, बैरोमीटर जो सॉलिड प्रेशर को मेजर करता है, लिक्विड प्रेशर भी आएगा, मैनोमीटर होता है जो लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है, जो डिवाइस है लिक्विड प्रेशर को मेजर करेगा वो होता है बेटा मैनोमीटर। मैनोमीटर उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। यू शेप का होता है बेटा, यू शेप, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब एक्सपेरिमेंट हुआ मेजरमेंट के रिगार्डिंग एट द सी लेवल, तो उस टाइम पर एक जो डिवाइस था, ठीक है, मर्करी कॉलम ट्यूब में फाइंड आउट किया गया। तो देखिए से आप, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम की हेल्प से बता रहा हूँ आपको। देखिए शाबाश, यहाँ इस टाइप से हुआ कि एक मरकरी ट्यूब थी बेटा, मरकरी फिल की गई एक ट्यूब के अंदर। जो ट्यूब थी उसका वन एंड तो ओपन था और वन एंड क्लोज था, ठीक है। ये ओपन एंड है और ये क्लोज एंड है, ठीक है। अब इसके अंदर मरकरी फिल की गई। मरकरी फिल करने के बाद एक मरकरी ट्रफ था, ठीक है, मीन्स एक कंटेनर था जिसके अंदर मरकरी ऑलरेडी फिल थी। उसके अंदर क्या कर दिया गया, इस एंड को, ठीक है, ट्यूब के इस एंड को क्या कर किया, बंद करके बेटा इसके अंदर रिलीज कर दिया गया, ऐसे रख दिया गया। हुआ क्या, जो यहां लेवल था वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, ठीक है। डिक्रीज होकर उसकी वैल्यू जो थी, यहां तक मरकरी फिल रह गए बेटा उस कंटेनर के अंदर, ये फ्री स्पेस रह गया उसके अंदर, मरकरी कंटेनर जो था फ्री स्पेस, या फिर आप इसको वैक्यूम भी बोल सकते हो, वैक्यूम। और ये जो हाइट थी कंप्लीट जो ये था 1000 mm का था बेटा कंटेनर, इसके ऊपर स्केल फिट था, ठीक है। इसको आप स्केल बोल सकते हो, ये जो साइड में, अब मैंने यहाँ डॉट से लिखे, इसको आप स्केल बोल सकते हो। तो जब हाइट मेजर की गई बेटा एट सी लेवल पे जब ये हाइट मेजर की गई, तो ये हाइट जो थी 760 mm थी,
ठीक है 760 mm क्या होता है, mm होता है मिलीमीटर। mm के बारे में क्योंकि जो न्यूमेरिकल है बेटा दो तीन टाइप से आ सकता है, आप इसको बोल सकते हो 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम। ये प्रेशर है बेटा, प्रेशर की यूनिट है बेटा ये mm ऑफ मर्करी कॉलम, ध्यान रखना 760, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो 760 cm ऑफ मर्करी कॉलम, या फिर आप इसको बोल सकते 0.76 m ऑफ मर्करी कॉलम, एक ही मीनिंग है इन सभी का, ठीक है। क्योंकि जो 1 mm होता है ना, 1 mm मिलीमीटर, वो 10^-3 m के इक्वल होता है, और 1 cm जो होता है वो 10^-2 m के इक्वल होता है। या मैं सिंपल बोलूं यहाँ 1 m इज इक्वल टू 100 cm होगा, ठीक है। और यहाँ से 1 m जो होगा वो बेटा 1000 mm के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर 1 cm जो है वो 10 mm के इक्वल है, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी बेटा इन तीनों रिजल्ट की। था क्या, जो ट्यूब थी, ठीक है, ट्यूब में क्या किया गया, उसका एक एंड ओपन था और एक एंड क्या था, क्लोज था। हमने क्या किया, मर्करी फिल की उसके अंदर। मर्करी को एच जी से लिखते हैं बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एच जी, तो ये केमिस्ट्री में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जैसे मर्करी उसके अंदर फिल की गई हाइट तक, यहाँ से अगर ट्यूब छोटी तो आप वहाँ अंगूठा लगा के उसको बंद करके मर्करी ट्रफ के अंदर रख दिया, तो वहाँ से जो प्रेशर का डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, लेवल थोड़ा नीचे आया, ठीक है। कितना नीचे आया, उसके अंदर स्पेस रह गया बेटा खाली, और जैसे ही हाइट मेजर की गई तो ये पता चला कि 760 मिलीमीटर तक जो मर्करी है प्रजेंट थी, ओके। 760 mm mm बोल सकते हो, या फिर 76 cm, या 0.76 m आप बोल सकते हो, इतना मर्करी कॉलम प्रजेंट था कहाँ, एट सी लेवल। सी लेवल बोलोगे बेटा, जितना ऊपर जाएंगे लेवल जो है वो डिफर करेगा, हाइट के साथ जो प्रेशर होता है वो वेरी करता है, चेंज करता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कहीं ये सोचो कि सर ये कांस्टेंट होता है, नहीं बेटा ये चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, डेप्थ टू डेप्थ, ठीक है, चेंज होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। देखिए शाबाश, तो मेजरमेंट की बात हमने की, अब वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द हाइट और एल्टीट्यूड एज वी गो अप देन एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड द एटमोस्फेरिक वेट ऑफ एयर या एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है एयर है उनका जो वेट होगा बेटा वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। क्योंकि होता क्या है, नियर द सरफेस जो होता है एयर का जो वेट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एयर प्रेजेंट होती है, जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना ही वेट एयर का कम होगा। अब एयर का वेट कम होगा तो वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, क्यों, वहाँ वेट एक टाइप से फोर्स ही तो है, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। जैसा हमने बताया था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता बेटा फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता एरिया के। तो फोर्स जैसे ही कम होगा, मीन्स वेट कम तो फोर्स कम, और फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना बेटा, जितना भी हाइट आप ऊपर जाओगे तो उसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, याद रह जाएगा। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितना हाइट आप ऊपर जाओगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, प्रेशर उतना ही डिक्रीज करेगा, ओके, इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट नहीं है, देन होगा क्या, ब्लड
एंड जो टिश्यू है, कोई अगर एटमोस्फेरिक प्रेजेंट नहीं है तो जो ब्लड वेसल है और टिश्यू है दैट विल ब्रेक। ब्रेक क्यों होंगे? क्योंकि इनसाइड जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से, इनसाइड जो प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्रेक होगा, ब्रेकेज हो जाएगी, मीन्स सब कुछ वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपने अगर स्पेस के अंदर देखा हो, जो स्पेस मैन होते हैं वो क्या होते हैं, वीयर, मतलब वो बड़े से कोट डाल के जाते हैं, ठीक है, वो स्पेशल प्रेशराइज कोट होते हैं, ठीक है, स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है उनको, क्योंकि वहाँ पर कोई एयर नहीं होती, एयर नहीं तो वहाँ कोई एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं, तो इंसान बिल्कुल नॉर्मली वहाँ नहीं रह सकता, ठीक है। जब स्पेस के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर, तो स्पेस के अंदर क्या होता है, परफेक्टली डिज़ाइन किया जाता है, प्रेशराइज्ड शूट होते हैं उनके, जिसको वेयर करके, जिसको डालकर वो जाते हैं, ठीक है। आम इंसान अगर नॉर्मली ऐसे चला जाए तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो है एयर प्रेजेंट नहीं, एयर प्रेजेंट नहीं तो वहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स द बिग रीजन बिहाइंड दैट। अब बात करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन अदर प्लेनेट। अदर प्लेनेट लाइक अगर बात करें जो वीनस है, यहाँ क्या है, CO2 प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन वीनस दैट इज नियरली 80 टाइम्स दैट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के लिए मैं E लिख रहा हूँ और वीनस के लिए V लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो अर्थ के सरफेस पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो जो है V मीन्स वीनस पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर उसका 80 टाइम्स है, ओके। और अगर बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर पे क्या होता, हाइड्रोजन हॉट मेटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो जुपिटर है वहाँ जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई, ओके, ऑन जुपिटर। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन तो है, सुपर हॉट मेटल प्रेजेंट है, दैट्स द रीजन। देखिए शाबाश, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग, सबसे फर्स्ट, एट द टॉप ऑफ माउंटेन सम पीपल कैन फील देयर ईयर पॉपिंग, मीन्स पॉप साउंड वहाँ पर सुनाई देती है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। जितना हाइट ऊपर जाएंगे, तो मैंने बताया था बेटा एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। अब हमारी बॉडी के इनसाइड और सराउंडिंग में जो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से साउंड क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसको बैलेंस करना चाहती है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉप साउंड वहाँ पर फील करता है कोई पर्सन। हॉवरक्राफ्ट क्या होता है? ये एक डिवाइस है बेटा, ये व्हीकल है, इट इज ए व्हीकल। इसका मैं डायग्राम आपको शो करूंगा, ठीक है, यहाँ आपको नजर आएगा। इट इज ए व्हीकल विच कैन ट्रेवल ऑन ग्राउंड एज वेल एज वाटर विदाउट टचिंग द सरफेस। सरफेस को टच नहीं करेगा, चाहे वाटर सरफेस हो या फिर यहाँ पर जो सरफेस गिवन है वाटर एज वेल एज ग्राउंड, ठीक है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ लार्ज फैंस होते हैं यार, यूज टू क्रिएट एन एयर कसन अंडर द हॉवरक्राफ्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं एयर, जब चलता है हमारे पास हॉवरक्राफ्ट तो उसमें क्या करते हैं, नीचे से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर उड़ता हुआ जमीन को हल्का सा टच करता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये कुछ थे इसके एप्लीकेशन। देखिए शाबाश, ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन वन सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। ये क्यूब इस टाइप से गिवन है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी सी आप अटेंशन थोड़ी ज़्यादा देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ ये फोर्स अप्लाई हुआ इसके ऊपर 16 न्यूटन, और थोड़ा डिफरेंट भी है, और जो जो साइड क्यूब की जो एज है वो गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द प्रेशर ऑन दिस सरफेस, प्रेशर भी गिवन है बेटा, देखिए फोर्स गिवन है 16 न्यूटन, साइड गिवन है, ठीक है, लेंथ लिख रहा हूँ मैं इसको 4 सेंटीमीटर। प्रेशर भी गिवन है बेटा, प्रेशर कितना गिवन है, वो है एक्स इंटू 10^4 पास्कल। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ओके।
तो देखिए शाबाश, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा बेटा, ये जो सरफेस आप देख पा रहे हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल है। तो फोर्स कितना, 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन डिवाइडेड बाय में एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको पहले तो एक सिंगल यूनिट में बनाना होता है, ये न्यूटन के अंदर है तो इसको SI के अंदर लेके आना, 16 डिवाइडेड बाय 4 बाय 100 इनटू 4 बाय 100। तो ये क्या हो गया बेटा, 16 डिवाइड बाय 16 और ये ऊपर चला गया 10 की पावर 4। इससे कैंसल, आंसर क्या आ गया बेटा, 1 × 10 की पावर 4 पास कर। अब इसको कंपेयर करो इससे, ठीक है, ये जो 1 है आपके पास x = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं बेटा ऐसा क्वेश्चन हो, इसको पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि प्रेशर की होना 2x × 10 की पावर 4 पास कर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगर सेम यही न्यूमेरिकल है तो 2x = 1 हो जाएगा और x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो क्वेश्चन पे रट्टा लगाने के बजाय बेटा वो क्या करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, किसको कंपेयर करना है, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो शाबाश, क्या गिवन है, क्या पूछना चाहता है, क्योंकि 2-3 ऐसे न्यूमेरिकल थे जो समझाने जरूरी थे और आप इजीली कर सकते हैं। एक गिवन है बेटा, 4 से 100 डाइन और एरिया गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो बेटा ये नहीं कि प्रेशर 100/2 सर 50 पास्कल, तो बेटा ये होगा गलत। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताई सेम सिस्टम। अब ये देखना डायन है ये, ठीक है, ये सेंटीमीटर है और प्रेशर पास्कल के अंदर पूछा गया, पास्कल में कितना होगा। तो पहले जो डायन है इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें, 1 न्यूटन कितना होता था, 10 की पावर 5 डायन। तो 1 डायन = कितना होगा, 10 की पावर -5 न्यूटन। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर बेटा, 100, ठीक है, 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर। तो स्क्वायर है तो एक बार और हमने 100 लिखा, तो ये क्या हुआ, ऊपर जाएगा 10 की पावर -5, 10 की पावर 4, यहाँ से डिवाइड बाय 2, 2 से कितना 50। तो आंसर है बेटा 50 × 10 की पावर -1। तो ये क्या हो गया 5 और ये कितना 10, तो यहाँ से 5 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा 5 और आंसर किस में आएगा, पास्कल, तो 5 पास्कल। ये था इसका आंसर सेकंड न्यूमेरिकल का। हेलो बच्चों, क्लास 8 फिजिक्स और आज का चैप्टर प्रेशर के बारे में बात करें। प्रेशर के प्रीवियस हम रिजल्ट, पहले फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, उसकी कुछ अप्लीकेशन पढ़ी, आज हम करेंगे एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए शाबाश, नंबर 1 आपके पास है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ठीक है, जैसे भी हम कोई भी लिक्विड लाइक कोल्ड ड्रिंक, जब भी पाइप जो होते हैं, जो स्ट्रॉ होते हैं इसको बोलते हैं हम, तो वहाँ पीते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो है पहले एकदम से तो नहीं आती, लेकिन जैसे हम प्रेशर इनसाइड अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, जो लिक्विड होता है धीरे धीरे उस पाइप के या जो अभी स्ट्रॉ है उसके द्वारा हमारे माउथ के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, एक्चुअल में इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। व्हाइल टेकिंग ए कोल्ड ड्रिंक लिक्विड व्हेन वी सक इन थ्रू द स्ट्रॉ वी टेक आउट सम एयर, पहले इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी बेटा, पहले वो आएगी, आफ्टर दैट जो लिक्विड है वो आता है, ठीक है। दिस लोअर द एयर प्रेशर देयर, इससे क्या होगा, यहाँ एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, ओके। अब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करेगा, इस लिक्विड को यहाँ पर धक्का मारेगा, हाई प्रेशर, हाई टू लो जो लिक्विड है वो मूव करेगा और इसको हम जैसे जैसे सक करेंगे एयर को इनसाइड और माउथ, देन द लिक्विड कम्स इनटू आवर माउथ। दिस लोअर द एयर प्रेशर देयर, द आउटसाइड एयर, जो आउटसाइड एयर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, देन पुशेस द कोल्ड ड्रिंक एंड लिक्विड इनटू आवर माउथ थ्रू द स्ट्रॉ। तो ये जो फिनोमेना है क्या, ये आपके पास कोई ग्लास है, ध्यान से समझना, ये कोई स्ट्रॉ है, ठीक है। अब तक जब तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे ओपनली तब तक ये लिक्विड के अंदर ही रहेगा, लिक्विड नीचे ही रहेगा डाउन, जैसे हम यहाँ से सेकंड मीन्स एयर को इनसाइड, जैसे हमारे माउथ में अंदर की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये नीचे धक्का अप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है बेटा वो रिड्यूस हो चुका है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई टू लो जो लिक्विड है वो मूव करेगा और इस प्रकार से क्या है, इस बताया गया द आउटसाइड एयर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन पुशेस द कोल्ड ड्रिंक और लिक्विड इनटू आवर माउथ थ्रू द स्ट्रो।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका ये था, कहाँ अप्लाई किया, नंबर टू ड्रॉपर, ठीक है। ड्रॉपर मीन्स जो आपने देखा होगा जो यूज करते हैं, मीन्स मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहता है, या और भी जो दवाई वगैरह घरों में भी होता है कई बार, जैसे कान की दवाई होती है, आँखों की दवाई होती है, तो वहाँ ड्रॉपर यूज करते हैं, ठीक है। ड्रॉपर या बच्चे को के लिए भी ड्रॉपर यूज करते हैं। तो ड्रॉपर काम कैसे करता है, वाइल फीलिंग ए मेडिसिन ड्रॉपर और ए फाउंटेन पेन वी पुश आउट द एयर इन देम बाई प्रेसिंग, हम उसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से क्या होगा, एयर जो होती है पास हो जाती है, तो वहाँ पर एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने से क्या होगा, वहाँ जो भी पेन के लिए इंक है, तो इंक जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया, तो हाई टू लो जो लिक्विड है वो मूव करता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये काम यहाँ होता है, दिस रिड्यूस द इनसाइड प्रेशर। नाउ द हायर प्रेशर मीन जो एयर का जो प्रेशर वो क्या करेगा बेटा, लिक्विड के ऊपर दबाव बनाएगा और लिक्विड को मूव करना पड़ेगा, कहाँ से, कम फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वही काम यहाँ होता है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंक है, ठीक है, इंक में भी सेम यही प्रिंसिपल यहाँ ओबे होगा। तो देखिए शाबाश कैसे होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से एप्लीकेशन बेटा डे टू डे लाइफ में आप भी करते होगे, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके पास होते हैं। जैसे ये इंक है, तो यहाँ इंक क्या होता है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट हो गया, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इंक कंप्लीट आगे आ जाएगी, पीछे एयर रह जाएगी, और जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा, मीन्स एयर जो है एयर की तरफ से अगर मैं प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके इनसाइड प्रेशर कम हो जाएगा, तो इन जो आउटसाइड प्रेशर मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, इंक जो है आगे चली जाएगी, ठीक है। इंक देखो शाबाश इसके अंदर जा रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, अगर ये ड्रॉपर होता तो क्या करते हैं, अगर ड्रॉपर है मीन्स खाली है बेटा, आप इसको प्रेस करेंगे एक साइड से, ठीक है, लिक्विड के अंदर, वाटर भी हो सकता है बेटा उसमें, डजेंट मैटर। तो आपने जैसे उसको दबाया, ऐसे एक्सपेरिमेंट आपने किए भी होंगे बचपन में, तो क्या होगा, दबाओगे तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से क्या, सराउंडिंग प्रेशर ज़्यादा, एयर का प्रेशर, वो लिक्विड वो क्या करेगा, लिक्विड के ऊपर धक्का मारेगा, उसको हाई टू लो मूव करना पड़ेगा और लिक्विड उसके अंदर फिल होता चलेगा, ठीक है। और ऐसे आपने एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बेटा, जो पिचकारी की अगर बात करें, ठीक है, आप होली वगैरह खेलते हैं ना उससे, तो उस केस में यही सेम प्रिंसिपल होता है, ठीक है। आप कंप्लीट जो एयर होती है पहले उसको बाहर निकालते हैं, फिर जो बकेट जो बाल्टी है उसमें से उसको खींचते तो वाटर साथ आता है, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट आपको पता ही होगा, आप सभी ने किया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या जाना बेटा, डे टू डे लाइफ में और दो तीन एग्जाम्पल इसे करते हैं, जिससे और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा सर होता क्या है, वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो आइए शाबाश जानते हैं उसके बारे में। देखिए शाबाश, एप्लीकेशन नंबर 3 डे टू डे लाइफ, दैट इज अबाउट वैक्यूम क्लीनर। अब हम वैक्यूम क्लीनर के बारे में बात करें, कैसे वर्क करता है। तो वैक्यूम क्लीनर क्या होता है बेटा, द वैक्यूम क्लीनर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रिमूविंग डस्ट पार्टिकल और पेपर पीसेस क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्कूल एटसेट्रा। हेयर द एयर इनसाइड द कलेक्टिंग बैग, ये कलेक्टिंग बैग है, इज सक्ड आउट बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब होता क्या है, जो सराउंडिंग में यहाँ जो भी डस्ट पार्टिकल हैं बेटा यहाँ, ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो भी डस्ट पार्टिकल या पेपर पीसेस हैं, डस्ट पार्टिकल या फिर पेपर पीसेस, तो उनको क्या करेगा, यहाँ से होगा क्या एक्चुअल, तो यहाँ जो इनसाइड प्रेशर है वो लो है बेटा यहाँ, और यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर जो सराउंडिंग में वो ज़्यादा है, तो जो एयर डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ मुकर रहे हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। तो यहाँ प्रेशर एक प्रकार से प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया गया, जिस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहाँ जो आसपास के डस्ट पार्टिकल हैं, पेपर पीस है, तो वो क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ, यहाँ एक फ़ैन है जो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, रोटेटिंग फैन यहाँ से एयर को बाहर निकाल देगा और जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको यहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा इस बैग के अंदर। तो हुआ क्या इसके अंदर, जैसे इसको ऑन किया गया तो यहाँ जो फैन जो ब्लेड्स जो लगे हुए हैं वो रोटेट हो रहे कंटिन्यूसली, इस कलेक्टिंग बैग के इनसाइड जो प्रेशर है बेटा वो मच लेस देन एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग और एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, जो सराउंडिंग में पेपर पीसेस डस्ट पार्टिकल थे तो उनसे क्या हुआ, उसको कलेक्ट करता रहा, क्योंकि हाई टू लो मूव करेंगे वो। और सेम प्रिंसिपल अगर बात करें, यूज किया जाता है बेटा एक प्रकार जो मोटर होते हैं घरों में, उसको पानी को उठाने के लिए, सिंपल तो अगर पाइप डालें तो वो उसको नहीं उठा पाते, लेकिन मोटर लगाने के बाद होता है क्या, प्रेशर का डिफरेंस जनरेट होता है,
प्रेशर इनसाइड जो होता है मोटर में जो पाइप जो लगे हुए हैं तो उसमें कम हो जाता है, और सराउंडिंग जो एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा वो लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाया कि हाँ लिक्विड को वहाँ से मूव कर हाई टू लो। तो इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो नेक्स्ट देखें शहबाज, आपको डायग्राम भी एज इट इज बनाने पड़ेंगे बेटा, जो डायग्राम मैं बनवा रहा हूँ साथ साथ अपनी कॉपी में। फिलिंग ऑफ ए सिरिंज विद द लिक्विड, अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं when the syringe is kept inside the opening just inside the liquid and the plunger is pulled up in the barrel, ठीक है, इंजेक्शन तो सिंपल सी बात आप सभी ने देखे ही होंगे। द प्रेशर इनसाइड द बैरल, प्रेशर जस्ट इनसाइड द लिक्विड, ये इसे हम बात की गई प्रेशर इनसाइड द बैरल बिकम्स मच लेस। जो बैरल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ हम इसको खींच रहे हैं, इसके इनसाइड जो प्रेशर है बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू सराउंडिंग मीन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। वो क्या करेगा, लिक्विड को फोर्स करेगा, लिफ्ट करेगा, फोर्स करेगा कि यहाँ से जो ये यहाँ हम अप्लाई करें बेटा, यहाँ से इसको खींच रहे हैं ठीक है इंजेक्शन को, तो लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, वो हाई टू लो मूव करेगा, तो कम्प्लीट जो इंजेक्शन होता है वो फिल हो जाता है। ये सब जो है फिनोमेना किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की एक अप्लीकेशन है जो हम अब तक पढ़ रहे थे कि प्रेशर जो होता है कहाँ कहाँ यूज होता है। आई से बस अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं, कुछ टिपिकल लेवल के करते हैं जिससे आपको भी इंटरेस्ट आने वाला है। देखें शहबाज न्यूमेरिकल वन, आप इसको ट्राई करें सभी बच्चे ठीक है, फेयर कॉपी में जरूर करना, दोनों क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें शहबाज, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ ट्राई भी कर सकते हैं कि सर किस टाइप से हो, क्योंकि फॉर्मूला हम सभी ने कर लिया है कि फॉर्मूला क्या होगा सर, इसके बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए शहबाज, क्वेश्चन नंबर वन, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग नॉर्मली अपॉन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द प्रेशर। तो प्रेशर पूछा गया, चार ऑप्शन यहाँ गिवन है ठीक है, लेंथ गिवन है आपको, विड्थ गिवन है, 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पर एक्ट हुआ है, तो क्या होगा देखिए शहबाज सॉल्यूशन इसका। एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स है कितना यहाँ, फोर्स इज 100 न्यूटन SI में है, तो एज इट इज रहने दो बेटा इसको, ये जो है आप देख रहे हो उसको SI में नहीं है, दोनों के दोनों सेंटीमीटर हैं, और SI में क्या होता है मीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर करना आपको आता ही होगा, क्या करना पड़ेगा बेटा 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। 100 क्यों किया, क्योंकि बेटा ये सेंटीमीटर में थे, हमें किस में चाहिए मीटर के अंदर, ओके तो ये 100 ऊपर आ जाएगा बेटा, 100 ठीक है, यहाँ मैंने इसको लिख दिया, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 50, ओके तो इसके बाद 0 से 0 कैंसिल, अगर 5 से कैंसिल करें 5 3 पे जाएगा फिर 2 पे, तो ये कंप्लीट जो रिजल्ट हुआ मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 0 0 0 0, और ये कितना हुआ 9। तो अब 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, ऊपर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो 9 से जाएगा तो 2 पे 18, फिर 2 आएगा, फिर एक जीरो लेंगे, फिर किस पे जाएगा 2 पे, फिर 18 बनेगा, फिर 20, फिर 18, 2.22 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या फिर पास्कल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्रेशर की वैल्यू आई, तो ऑप्शन चेक करें ABCD, तो ए जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर आंसर इसमें आ गया है, ओके। तो सेकंड पार्ट एक बार ट्राई करें कि पूछना क्या चाह रहा है सर, आपको ये गिवन है 10 20, तो क्या मतलब किस टाइप से आप इसको फाइंड आउट करेंगे देखिए सर। बस कोई ब्लॉक ऑफ वेट, कोई ब्लॉक है जिसका वेट है 80 न्यूटन, स्टैंड अपराइट इन द ग्राउंड, इस पोजिशन में है बेटा, यहाँ आप देख पा रहे हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल नहीं है साइड इसकी, तो इस टाइप से, तो हमें क्या निकालना, प्रेशर एग्जर्ट ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक, कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा ग्राउंड पे बाय दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक की वजह से कितना प्रेशर सहन करेगी वो अर्थ, अर्थ का सरफेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है बेटा, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं,
कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं, आपको जस्ट क्या करना, फॉर्मूला पुट करना, आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए सियाबास, और पहले आ चुका है क्वेश्चन NSO 2013 के अंदर, तो आइए सियाबास बात करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये लिख लिया करो बेटा, कोई भी सॉल्यूशन करें किसी भी क्वेश्चन का, तो आप लिखा करो गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन लिखने से आपको फॉर्मूला पुट करो इजी रहेगा, वैल्यू डिस्प्लेस नहीं होंगी, मिसमैच नहीं होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या फोर्स गिवन है सर, कितना 80 न्यूटन, यूनिट भी साथ में लिख लेनी है, ठीक है। और क्या गिवन है, और तो सर यहाँ डायग्राम गिवन है। ओके, मुझे ये बताएं सियाबास, एरिया कौन सा टच में है, ये एरिया आप देख पा रहे हैं, इस 20 का इसके अंदर कोई काम नहीं है, ठीक है। ये 10 है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर में, दोनों ठीक है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया कितना हुआ 10 क्रॉस 5, लेकिन सेंटीमीटर है सर, तो 100 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 इसके लिए, 100 सेकंड के लिए। ओके, एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वैल्यू पुट कर दे, फोर्स कितना है 80 न्यूटन, एरिया कितना है 10 इंटू 5 और ऊपर जाएगा ये 100 इंटू 100, ठीक है। तो ऑप्शन में एक बार चेक करें, 80 ऊपर है, 80 दो ही ऑप्शन में ऊपर है, नीचे 5 है, 10 है, और ये 10 की पावर -4 है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाय 10 क्रॉस 5, ऊपर लिखेंगे तो 10 की पावर +4 लिखना पड़ेगा, नीचे लिखेंगे तो 10 की पावर -4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हो, ये इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो गए, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग सा, और आपको भी ट्राई करना कि सर कैसे होगा। देखिए सियाबास, न्यूमेरिकल ट्राई करें, क्यूब है, क्यूब मीन साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में जो था वो उसके अंदर साइड जो थी वो बेटा डिफरेंट थी, ठीक है। ये क्यूब है, इक्वल साइड है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द क्यूब ऑन द फ्लोर इज, तो पूछा गया कि प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, मास गिवन है, जी की वैल्यू यहाँ गिवन थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू गिवन है। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो बेटा प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स है कौन सा सर, यहाँ तो फोर्स गिवन नहीं है, लेकिन मास आपको गिवन है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, ग्रेविटी की वजह से एम इंटू जी बाई ए। एम कितना मास 50, जी कितना है 10, एरिया कितना 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। पहले पॉइंट को सॉल्व करना है बेटा, पॉइंट को 2/10 इंटू 2/10, तो ये कैंसिल मत करना है, ऊपर जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 4, 4 से कितने में जाएगा ये, 4 से इसको कैंसिल किया 25। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 20 है एज इट इज रहेगी, 25 जो होता है 125। यूनिट क्या रहेगी सर, या तो आप इसको पास्कल लिखें या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल इसका सेम है जो हमने अभी फाइंड आउट किया, तो ये इसके लिए न्यूमेरिकल रहेंगे। आप भी ट्राई करें इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी हैं, और आपको अच्छा फील होगा। सभी जो फॉर्मूला है उनको अलग से कॉपी में फर्स्ट पेज पर आप नोट कर लें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो एक पेज उसके अंदर फॉर्मूला यूज्ड कंप्लीट, जो भी फॉर्मूला उसके अंदर यूज हुआ है एक पेज पर लिख लें, एटलीस्ट 15-20 के इन बिटवीन फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करें तो इतने जब तक जितने फॉर्मूले यूज हुए उन सबको लिख लें, तो ऐसे क्या होगा जैसे हम कंप्लीट यूनिट कंप्लीट बुक कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, वो आपके लिए ईजी एक प्रकार से फॉर्मूला बुक बन जाएगी, ठीक है। हर एक यूनिट के लास्ट में स्टार्टिंग में वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि सर कहाँ हम लिखें, जो आपका मन करे वहाँ फॉर्मूला यूज लिख सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर होने के बाद आप लिख सकते हैं फॉर्मूला यूज, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करें टैकल करें तो और अच्छा रहेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।